जी अभी नाश्ता शुरू हो गया जी, परदेश का ही है जी नाश्ता, शायद चाय है। और ये भेजा जी अम्मी जी ने पाकिस्तान से, और जिस किसने करना जी आज। लो जी रोटी भी कर ली तैयार, देखिए इस पर रोटी बनाई है काशी में, ये मिलना जी, ये रोटी का साइज चेक करें जरा, सालों में भी तैयार होने वाला हो गया जी। चीज़ें तैयार, आलू कर रहे हैं अभी फ्राई, बाद में डालने जी टमाटर, अभी आलू तो प्याज फ्राई कर रहे हैं। अभी खाना खा के जी फारग हो गया, 2 बज चुके हैं जी, 1 घंटा पूरा लगा जी खाना बना के खाते हुए, पाकिस्तान के 3 बजे। अभी थोड़ा इधर आए हैं जी कबूतरों के पास, कबूतरों को देखने के लिए। ये जी रूटीन इधर की परदेश की, कि परदेश में क्या रूटीन है, क्या कैसे टाइम गुजरता है, क्या काम करते हैं जी। अभी टाइम इस टाइम 11 बज चुके हैं जी मस्कत ओमान में, पाकिस्तान में 12 बज गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, बीत करते हैं जी, आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे जी? हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी टाइम हो चुका है जी मस्कत ओमान में 8:30, पाकिस्तान में 9:30 हो गए हैं जी। आज का करते हैं जी न्यू व्लॉग शुरू, सब दोस्त जाके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। आज आपको दिखाते हैं जी परदेश की रूटीन, डेली की क्या रूटीन होती है जी परदेश की। आज हम फिर आज शावर ले लिया जी, अभी तैयारी की है, जा रहे हैं जी दुकान पर, आप भी साथ हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी आज की रूटीन इधर क्या होती है जी परदेश की। लाइट करते हैं जी ऑफ, चलते हैं जी दुकान की तरफ, आ जाए फिर आपको साथ साथ परदेश का माहौल दिखाते हैं जी। ये है जी परदेश, धूप देखिए कितनी ज़्यादा निकल चुकी है जिस टाइम गर्मी, देख लें सूरज, ये सारी बिल्डिंग बनी हुई है, दरवाज़ा का करते हैं जी लोग, ये देखें लोग जो है अभी लोग नहीं हो रहा जी, 1 मिनट रुक जी, दरवाज़ा कर लिया जी लोग, ये धूप माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इस टाइम निकल चुकी है मस्कत ओमान में। ये जी सामने बिल्कुल जी सूरज है ऊपर, बिल्कुल इस तरफ ये जी पाकिस्तान। आज देखा हवा भी नहीं चल रही, बिल्कुल शांत है, खजूरों के पत्ते भी दरख्त भी देखे, तो गर्मी माशाल्लाह 30 के ऊपर ही है टेम्परेचर, अभी गर्मी फुल स्टार्ट हो गई अभी मस्कत ओमान में। ये है जी परदेश, देख ले परदेश और देश का यही माहौल है, सेम ही अपना देश वाला माहौल है परदेश का भी। ये देखने के लिए माहौल देख के नज़ारा चेक करें बैक साइड में, ऐसा जी परदेश। ये साथ जी गार्डन बना हुआ खजूरों का, देख लें कितनी शांति है सुबह के टाइम, सब लोग भी चले गए जी ड्यूटी में, और कुछ सो रहे हैं सुबह के टाइम, और कुछ अपने काम में बिजी हो गए जी। देख लें जी आज ये भी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल नहीं हवा चल रही, गर्मी आज माशाल्लाह काफ़ी होनी है जी। आज ही आपको दिखानी है जी परदेश की रूटीन, इधर हम कैसे टाइम गुजरते हैं, क्या करते हैं पूरा दिन मैंने। आज ये आ गए जी दुकान पर, सुबह का टाइम है, चेक करें सुबह के टाइम का व्यू ज़रा जी। अभी नाश्ता शुरू हो गया जी परदेश का, ही है जी नाश्ता, शायद चाय है, और ये भेजा जी अम्मी जी ने पाकिस्तान से, और जिस किसने करना जी आज। ये देखते हैं जी सुबह का नज़ारा, ये नाश्ता स्पेशल आया जी परदेश का, अपने देश से मान जान ने भेजा है, समझ आते ये जी नाश्ता हो जाता है परदेश के पास। ये आज जी अभी जोहर का टाइम हो चुका है जी मस्कत ओमान में, 1 बज चुके हैं जी, गर्मी देखें जी। ये है जी परदेश की रूटीन, पाकिस्तान में 2 बज गए इधर 1, अभी दुकान की है जी बंद, अभी जा रहे हैं जी रूम में, अभी खाना बनाना है, आज फिर दिखाते हैं जी आपको क्या बनाना है। ये है जी परदेश की रूटीन, ये है जी सब्जी की दुकान। ओ भाई साहब क्या मोटू आया, तुमसे मोटू आया, ये बंगाली हैं सिंगर, कैसे है तुम? अच्छा है, फ्री में क्यों से सब्जी है, इधर फ्री में कुछ नहीं है जी रूम में। ये है जी परदेश की रूटीन, देख ले अभी आलू ले लिए जी, और जाके आलू का सलूना बनाना है, ये खाना है जी, देख ले अभी। ये है जी परदेश की रूटीन, आ जाए फिर आपको अपना किचन भी दिखाते हैं जी आज, ये देख लें ये जी साइड में, ये साथ ही अपना रूम है इधर, ये साथ महजल बनी हुई है छोटी सी दरवाजे करके, ये अभी आ गया जी अपना रूम जी, देख लें जी ये आ गया जी रूम अपना, ये जी इधर का किचन है।
छोटा सा बना हुआ देख ले, परदेश का किचन देख ले। ये है जी छोटा सा किचन, बस देख ले इतना सा किचन है बस। परदेश में किचन भी ऐसे जैसे जेल होती है ना, सेम वही है जी। अभी रूम में आके बिल्कुल फर्क नहीं है। अभी पानी लेके आए हैं जी पीने के लिए, उधर से कूलर लगा हुआ पानी के लिए। ये जी फिर से रूम, अभी कपड़े भी चेंज करने, देख लें जी परदेश की लाइफ। हो गया जी चीज़ें तैयार, आलू कर रहे हैं अभी फ्राई, बाद में डालने जी टमाटर। अभी आलू तो प्याज फ्राई कर रहे हैं, साथ आटा भी तैयार कर लिए जी। एक रोटी का ना ये सब है जी, बड़ा साइज के देना परदेश में, पाकिस्तान इतने दो रोटी बनती है ना, इसके एक रोटी बन जाती है इतने बड़ा साइज का। तो ये काशी पड़ी है जी, इसके ऊपर रोटी बेलते हैं, इधर बताते हैं आपको जब रोटी बेलते हैं उस टाइम भी देख लें जी। ये रूटीन है जी परदेश की, बिल्कुल टाइम नहीं है इधर परदेश में फ्री होने का, खाना खा के फिर सोने का टाइम हो जाना जी, 2 घंटे रेस्ट है। फिर रात को इधर के 11 बजे पाकिस्तान के 12 बजे दुकान बंद करनी है, फिर आकर रात को खाना खाना जी। ये है जी रूटीन परदेश की। एक लंबे आलू हो रहे हैं जी फ्राई हल्के हल्के, प्याज भी हो चुके हैं जी फ्राई, अभी डाले हैं टमाटर और लून मिर्चें डालनी है, और जिस चीज़ में खानी है ज़्यादा बिस्मिल्लाह करें। फिर लो जी रोटी भी कर ली तैयार, देखिए इस पर रोटी बनाइए काशी में, ये चाहते मिलना जी। ये रोटी का साइज चेक करें जरा, सालों में भी तैयार होने वाला। अभी खाना खा के जी फारग हो गया, 2 बज चुके हैं जी, 1 घंटा पूरा लगा जी खाना बना के खाते हुए, पाकिस्तान के 3 बजे। अभी थोड़ा इधर आए हैं जी कबूतरों के पास, कबूतरों को देखने के लिए। ये जी रूटीन इधर की परदेश की, उन्हें कबूतर भी, ये मस्कत मान के कबूतर हैं जी, पाकिस्तान वाले नहीं हैं इधर के। ये देख ले इनका साइज चेक करें, ये इधर का कबूतर है अरब का, पाकिस्तान का नहीं है। ये नज़ारा चेक करें, व्यू चेक करें बैक साइड में परदेश का। और ये फूलों वाली बूटी देखें, हर रोज़ दिखाता हूँ जो आपको, आज भी देखे माशाल्लाह कितने प्यारे फूल लग गए हुए इस टाइम। अभी चले हैं जी वापस अपने रूम में, ये देख ले और सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है जी। तो गर्मी माशाल्लाह हो, काफ़ी गर्मी अभी स्टार्ट हो चुकी है इस टाइम इसके दुमान में। ये देख ले जी अभी 2 बज गए, गाड़ी भी कम है अभी रोड पर ना, अभी रस का टाइम हो गया है जी इधर मस्कत मान में। ये रूटीन चलती है जी जी अपनी परदेश की, सब परदेशियों भाइयों की और देश में, देश और परदेश का देख ले माहौल जी फर्क, सब काम खुद करने पड़ते हैं जी, हर काम कपड़े धोने तक, बर्तन धोने तक, खाना बनाने तक, और काम भी करना जी पैसों के लिए। इधर आए हैं परदेश में, और किस लिए आए हैं जी परदेश में। ये माशाल्लाह रूटीन है इधर मस्कत मान की, ऐसा टाइम गुजर जाता है इधर परदेश का। तो और गर्मी, ओहो गर्मी अभी पत्थर की वजह से ना गर्मी काफ़ी होती है इधर अरब में, हवा भी गर्म चलती है, गर्म हीट वाली हवा चलती है, ठंडी हवा नहीं जैसे पाकिस्तान में हवा चलती है ना, ऐसी हवा नहीं इधर, गर्म लू चलती है, गर्म से वो सेक होता है हवा का भी ना इधर मस्कत मान का। ये नज़ारा चेक करें, ये गलियां चेक करें परदेश की, सेम वही देश वाली माहौल है जी। वेलकम बैक करते हैं, जब भी देखें फिर से असर का टाइम हो गया जी, हवा चल रही है देख लें जी, हवा माशाल्लाह चल रही है, देखें जी मौसम थोड़ा प्यारा बन गया, गर्मी कम हो गई है, अगर हवा रुक जाए फिर तो गर्मी है जी। माजमून पढ़ ली असर की, जा रहे हैं वापसी दुकान पर। ये देख रहे हैं सूरज इधर बिल्कुल छाँव में थे ना, ये सामने देखे तो बिल्कुल सूरज सामने बिल्कुल सीधा सर के ऊपर है, अभी असर का टाइम है। ये देख लें रूटीन परदेश की ना, तकरीबन 4 बज गए इधर पाकिस्तान के 5, अभी वापसी दुकान पर है, फिर रात के 11 बजे तक ड्यूटी है इधर। देख लें जब भी नज़ारा चेक करें इधर का, असर के टाइम ही देखो कितनी ज़्यादा धूप है, गर्मी पूछे ना पूछे जी। ये देख लें इधर नज़ारा चेक कर लें, ये ज़रा व्यू चेक कर लें जी, अभी अज़ान हो गई जी मगरब भी, अभी जा रहे हैं जी नमाज़ पढ़ने, नज़ारा चेक करें। ये है जी परदेश की लाइफ देख लें, ये सामने नज़र आ रहे हैं आसमान देखें, अभी हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है, नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको वापस।
अभी रात का जरा व्यू चेक कर लें फिर कर। जी आज आपने रूटीन देख लीजिए हमारे पूरे दिन की कि परदेस में क्या रूटीन है, क्या कैसा टाइम गुजरता है, क्या काम करते हैं जी। अभी टाइम इस टाइम 11 बज चुके हैं जी मस्कत ओमान में, पाकिस्तान में 12 बज गए हैं। दुकान कर लें जी, बंद का टाइम हो गया जी। अभी जा रहे हैं जी रूम में, जाके खाना बनाना है जी, रोटी बनानी है बस। सारा दिन का रेडी है जी। ये है जी परदेश की लाइफ, ऐसा टाइम गुजरता है जी परदेश में, ऐसा वक्त पास हो जाता है। यही रूटीन है जी परदेश की लाइफ, बस काम और काम। देख लें जी अभी 12 बज चुके हैं जी पाकिस्तान के, इस टाइम के 11 बज गए हैं जी ओमान के।